इंजन की ओवरहीटिंग क्यों होती है? इंजन की ओवरहीटिंग कूलेंट की वजह से हो सकती है, अगर गाड़ी का कूलेंट कम है या लीक है तब ये मसला हो सकता है। थर्मोस्टेट जो है उसमें प्रॉब्लम हो, अगर थर्मोस्टेट स्टक है और पानी की सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो भी ये मसला हो सकता है। रेडिएटर जो है गाड़ी का लीक हो या रेडिएटर की जालियां जो है वो चोक हो तब भी ये मसला हो सकता है। गाड़ी का जो वाटर पंप है अगर वो ठीक नहीं है तब भी ये मसला हो सकता है। कूलिंग सिस्टम के अंदर किसी भी जगह के ऊपर लीकेज है तब ये मसला होगा। इंजन मिसफायर करेगा तब ये मसला होगा। लो ऑयल लेवल जो है गाड़ी का उसकी वजह से भी जो है इंजन जो है वो हीट हो सकता है, क्योंकि जो ऑयल होता है ये गाड़ी के इंजन को ठंडा भी करता है। जो इसके बाद ड्राइविंग कंडीशंस है, अगर बहुत गर्म वेदर के अंदर गाड़ी जो है वो चल रही है, बड़े हैवी लोड के साथ चल रही है, तो आमतौर पे ये भी गाड़ी की जो है वो ओवरहीटिंग का मसला बन सकता है। रेडिएटर जिस तरह मैंने बताया कि इसके जो फिन्स हैं वो आमतौर पे चोक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, इनके अंदर जंग आ जाता है अगर लोगों ने पानी यूज़ किया हो। बहुत से दोस्त जो है वो कूलेंट यूज़ नहीं करते तो ये मसला आ सकता है। इसके अलावा जो फॉल्टी आपका टेम्परेचर सेंसर है उसके ऊपर भी ये मसला आ सकता है, क्योंकि आपको वक्तन फवक्तन वो नहीं बता रहा कि गाड़ी जो है वो ओवरहीट हो रही है और एकदम से इंजन जो है वो ओवरहीट हो जाता है, जिसके बाद आपको पता चलता है कि गाड़ी का इंजन जो है वो खराब हो गया है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो 0335477763 के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।